हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मुझे बहुत सारा काम है आज। आज कुछ स्पेशल दिन है, अभी नहीं बताऊंगी आप लोग को, क्योंकि आप लोग अभी बता दूंगी तो वीडियो यहीं से आप देख के कमेंट कर दोगे। आगे बताऊंगी, ब्लॉग में बने रहेंगे, आपको को खुद पता चल जाएगा कि आज कौन सा स्पेशल डे है मेरे लिए। तो उसके लिए मैं तैयारियों में लग गई हूँ। और अभी मैंने अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी बाद में जाऊँगी, सारे काम जो है वो निपटा लूँगी। सिर्फ मैंने अभी झाड़ू लगाया, पोछा भी नहीं लगाया है, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, इसकी वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। सर्दी, वही सर्दी, खांसी, फीवर, यही सब आ रहा है। और यहाँ देखिए छवि, ये देखिए अभी मैं मटर छिलके खाली हुई हूँ, छवि तो अभी मैं मटर छिलके खाली हुई थी। और ये देखिए बाल बाल खोल के, आज ये स्कूल नहीं गई है उसी वजह से कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। घर की हालत आप देख सकते हो, कितना घर जो है वो अस्त व्यस्त है। यहाँ पर देखिए आप, तो आज दिन मैं बता दूँ है 24 फरवरी। तो चलिए अभी करते हैं काम, क्योंकि अभी देखिए मैंने चाय जो है वो पी लिया था। पर आज भी मेरा ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर सोचा कि चलो आज कुछ ना कुछ कर ही लेती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। ब्लॉगिंग करिए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब ट्राईपॉड सेट करिए, जगह जगह मोबाइल लेके घूमिए, और ऐसे रहता है ना तो पूरा फोकस जो है वो काम पे रहता है, किचन में रहता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। पर ब्लॉगिंग करने के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैनेज भी करना पड़ता है। फिर सोचा कि चलो आज आप लोग के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, और चलते हैं किचन में, क्योंकि बाकी सारे काम तो मैंने कर लिए हैं। चलते हैं किचन में, बनाते हैं पहले खाना, फिर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी भारी आवाज़ जाएगी, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने दाल चढ़ा दिया है, और थोड़े से बर्तन थे रात के वो भी मैं वाश कर लेती हूँ। और आज मुझे बनाना है सूरन आलू की सब्ज़ी, पालक का साग और दाल फ्राई, चावल पूड़ी, बस इतना ही आइटम बना रही हूँ। तबीयत सही नहीं था इसलिए ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। और देखिए दूसरे वाले गैस पर मैंने जो काढ़ा रखा है, मतलब काला चाय, वो भी बन रहा है, अभी बन जाएगा, मैं पी लूँगी तो गले में थोड़ा आराम होगा। तो अभी मैं इधर लगा रही हूँ सूरन के तड़के की तैयारी, मतलब सूरन की सब्ज़ी के लिए तड़का लगा रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने सूरन को मतलब भुनने के लिए छोड़ दिया है। हल्का ही ये तेल नहीं सोखता है, बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाता है, पर मैंने फ्राई नहीं किया, सौते ही किया, थोड़ा ही तेल में मैंने बस इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है। फिर जो मैंने आलू कट किया है, आलू को भी मैं इसे अच्छी तरीके से मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। रेसिपी आप लोग को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं रही थी, बस मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मुझे खुद में मालूम नहीं था, और थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गई हूँ यूट्यूब से, क्योंकि अब बिल्कुल मन नहीं करता है वीडियो बनाने का ना अपलोड करने का। बस सब सिस्टर बोल रही थी कि दी अभी हिम्मत मत हारो, थोड़ा और हो सकता है कि तुम अब बिल्कुल मतलब मंजिल के पास हो, तो तुम यहाँ से रिटर्न हो जाओगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन और देखते हैं। और मसाला मैंने डाल दिया है, भून रही हूँ मसाले को, और छवि भी पास में ही है, तो जैसा कि आपने देखा है कि छवि स्कूल नहीं गई है, बोल रही थी मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और आज मैं भी आपकी हेल्प करा लूंगी। तो बाकी हल्के फुल्के काम मैं, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं बच्चों से कराती हूँ, बस वो थोड़ी मेरी हेल्प कर दे रही थी, कि जैसे मैं कुछ मांग रही थी, टमाटर दो बेटा, ये दो, धनिया की पत्ती दो, तो वो सब निकाल निकाल मुझे दे रही थी, मेरे साथ में ही थी, थोड़ा मुझे ये था कि हाँ साथ में है कोई। अज्योति भी आ गई थी तो वो भी मेरी हेल्प करा रही थी, आटा वगैरह उसने गूंथ दिया था, और जैसा कि पूड़ी वगैरह वही बेली थी, बस वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, तो इसलिए मैं उसे कैमरे के सामने नहीं लाती हूँ, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है, अगर वो नहीं आना चाहती है तो मैं उसे फोर्स नहीं करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले भून लिए हैं, सूरन आलू सब कुछ डाल दिया है, और बस इसमें पानी डाल के इसे रख दूँगी सीटी लगने के लिए, 2-4 सीटी आएगी, उसके बाद जो सूरन की सब्ज़ी है वो बन जाएगी। तो आज जो है स्पेशल दिन था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं खाना ही मतलब बना लेती हूँ, उसके बाद से दूसरे कामों में मैं लगूँगी। तो बिना नहाए धोए मैंने खाना बनाया है, वैसे पंडित जी तो मतलब खाएंगे नहीं इसे, तो इसलिए क्योंकि बात हो चुकी थी, वो बोल रहे थे कि कहीं पे वो रामायण कर रहे हैं, कुछ कर रहे थे, भागवत वगैरह, तो मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, आप अपने लिए बना लीजिए, बस मैं फल ही खा लूँगा, तो इसीलिए मैं नहाई नहीं, और मैं मतलब ऐसे ही खाना बना रही हूँ, वरना मैं बिना नहाए किचन में जाती नहीं हूँ। और तबीयत भी सही नहीं थी इसकी वजह से, और भी मेरा मन जो है वो थोड़ा मतलब बुझा बुझा था, आप मेरी आवाज़ से मेरे फेस से देख सकते हो, और मेरा जो मतलब शरीर है वो सूज भी गया है, मेरा फेस देखिए कितना मतलब बड़ा दिख रहा है। और यहाँ देखिए ज्योति जो है ना वो पूड़ी बेल रही है, मैं सारी पूड़ियाँ तल लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी नहाने के लिए।
और तब तक बज गए थे 9:30 हो गए थे, छवि को भूख लग गई थी तो थाली लेके आ गई है कि मम्मी मुझे खाना दे दो। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, मैं तैयार भी हो गई हूँ और सारी तैयारी जो है वो हो गई, हस्बैंड भी तैयार हो गए। इधर देखिए और छवि देखिए पूड़ी खा रही है, दिखा दो छवि। और वहाँ अंदर में पूड़ी बन रहा है, एक मिनट दिखाती हूँ, वो देखिए ये प्रसाद की पूड़ी बन रही है, ये देखिए क्षमा जो है वो प्रसाद की पूड़ी बना रही है। क्षमा है बोलो। तो इधर भी देखिए तैयारी हो गई है और आज हम लोग सुन रहे हैं सत्यनारायण भगवान का कथा और आज हमारी है एनिवर्सरी, तो इसीलिए आज हमने सोचा कि कहीं भी नहीं जाते, एक पुण्य का काम करते हैं और कहीं भी नहीं जाएंगे, आज हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे मतलब पूजन के साथ। तो थैंक यू रोज दे रहे हैं मुझे, रुकिए एक मिनट, आपका फेस नहीं आ रहा, पकड़िए इसमें सही से करें। कहाँ रखी है? मैं छोटी हूँ, ये लंबे हैं, इसकी वजह से हम लोग का फेस नहीं आता, ये देखिए। तो थैंक यू रात को ही लेके आ गए थे, ये देखिए आप लोग को भी दिखा देती हूँ, थैंक यू। अभी देखिए पंडित जी आ जाएंगे, कथा जो है वो शुरू हो जाएगा। रुपेश चला गया है स्कूल और मैंने कान का इयर रिंग जो है वो चेंज नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत अभी उतनी सही नहीं है। रुपेश चला गया स्कूल, रुपेश अभी आएगा क्योंकि उसका वो नहीं रुक रहा था, वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है, 1:30 बजे से कथा शुरू होगा, तब तक तो मैं आ ही जाऊँगा, तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। और छवि का तो ठीक है, एक दिन रुक गई थी, कोई बात नहीं था। और वहाँ देखिए ज्योति शर्मा ही है, ज्योति आगे नहीं आना चाह रही है, क्षमा बेचारी सुबह से मेहनत कर रही, देखिए अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए अभी मिलते हैं जब पूजा शुरू हो जाएगा तब, और सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप देख सकते हो सारी तैयारियाँ हो गई हैं और गेस्ट लोग जो है ना वो बाहर बैठेंगे, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कैसी में आपके बगल में हम रख दिए हैं, यहाँ देखिए सारी पूजा की सामग्रियाँ जो है आ गई हैं और बाहर जो जितने भी गेस्ट आएंगे मैंने सोचा कि यहाँ पे उन्हें बैठा दूंगी क्योंकि अंदर में जगह कम है, तो मिला तो हिसाब से हम देख के बता रहे हैं अभी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम पहले पूजा की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। ब्लर भी आ जा रहा है मेरा फोन, और चलिए पंडित जी आते ही ऐसे नाउन नहीं आई थी किसी कारणवश, हमने बुलाया था पर वो नहीं आ पाई थी, तो क्षमा हम लोग के मतलब पैर जो है वो भर दे रही थी, मतलब बुआ हो मतलब बहन हो या नंद हो कोई भी पैर भर सकती हैं, तो क्षमा थी तो क्षमा ने हम दोनों के पैरों को जो मतलब है वो रंग से लगा दिया। और अभी पंडित जी भी आ गए हैं और वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पूरा जैसे नवग्रह बनाना हुआ, गौरी गणेश बनाना हुआ, ये सारी तैयारियाँ उन्होंने कर ली, फिर पूजा जो है वो शुरू हो गई थी हम लोग की और शायद 2-2.5 घंटे पूजा चली थी। तो इस साल हमने सोचा कि चलो इस साल सत्यनारायण भगवान का हम कथा करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों ने अपने घर में कोई भी पूजा मतलब नहीं रखी थी, तो इसी वजह से एक बार हमने प्लान बनाया कि चलो बाहर चलते हैं, फिर ये बोले कि नहीं चलो कथा कर लेते हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और शाम होते होते मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं कहीं भी नहीं गई थी, हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो बाहर कुछ खिला लाता हूँ पर तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी कि मैं जा सकूँ, तो इसलिए बाहर से वो मतलब डोसा वगैरह जो बच्चे मतलब बच्चों का जो मन था वो ले आए थे डोसा और मेरे लिए भी लाए थे, पर मेरा तबीयत बिल्कुल सही नहीं था, मुझे कुछ भी खाने में अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा शरीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूज गया है, तो मैंने अपना मतलब टाइफाइड थायराइड और एरिक एसिड का जांच कराया है, तो अभी तो मतलब थायराइड का रिपोर्ट नहीं आया है पर मुझे टाइफाइड है, टाइफाइड हल्का है पर है क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है और एरिक एसिड भी शायद मेरा बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरी बॉडी में जो सूजन है, तो अभी मुझे परहेज करना है और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, बस किसी तरीके से मैं मतलब घर के काम मैनेज कर ले रही हूँ, वीडियो इसी की वजह से वीडियो मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। और यहाँ देखिए पूजा वगैरह हो गया है, फिर मैं आ गई थी बड़े बुजुर्ग का मतलब जो होता है लास्ट में ना पैर छूना, तो सभी बड़ों का मैं पैर छू लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है पंडित जी को हम लोगों ने दक्षिणा दिया और उन्हें विदा कर दिया फल वगैरह देके। हमारी कथा हो चुकी है और यहाँ देखिए सारे गेस्ट जो हैं वो सब लोग चले गए हैं, पंडित जी भी चले गए हैं, बाकी देखिए
पूरा उधर भी सब लोग चले गए हैं और अच्छे से हो गया। कक्का गेस्ट जो है वो चले गए हैं। हरी की मेरी सासू माँ है। हाय मेरी मम्मी, हाय। यहाँ देख अब जा रही हूँ मैं सभी को खाना खिलाना, वीडियो बाकी है। और अच्छे अच्छे सब कुछ हो गया है तो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अभी सबको खाना खिला देते हैं। और मैं, मुझे भी भूख लग गई है क्योंकि टाइम हो चुका है। आई मम्मी इधर आइए। अरे चूड़ी, टाइम जो है हो चुका, आप देख सकते हो कि तीन कितना बज रहा है, 3:30 होने वाला है। तो अभी हम खाना खा लेते हैं फिर आपसे मिलेंगे। और मैंने क्या बनाया है आपको मैंने बता ही दिया है कि मैंने आज क्या बनाया है। तो बस साग मैंने बाद में बनाया क्योंकि साग जो है वो शुभ होता है। तो अभी हमारी एनिवर्सरी का जो कथा है वो पूरा हो गया, तो अभी पहले खाना खाते हैं फिर कुछ करेंगे। और खाना खाते ही मुझे इतनी तेज़ ठंड लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। अच्छा माँ को भी अपने घर जाना था तो मतलब फ़ोन आ गया था उसको किसी का, वो बात कर रही है और मुझे पता ही नहीं था। अच्छा माँ सरप्राइज़, मतलब मुझे सरप्राइज़ उसने दे दिया केक मंगा के। मैंने मतलब केक के बारे में सोचा ही नहीं था क्योंकि तबीयत जब ठीक रहती है ना तो बहुत सारा दिमाग में प्लान चलता रहता है, तबीयत नहीं सही रहता है तो कुछ भी नहीं चलता है। तो क्षमा ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोग बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। 1, 2, 3 हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। खिलाइए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को जरा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और उसे प्लीज़ फुल वॉच करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।